सचिन राय एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और अहिंसा के रास्ते कैंप्स के संस्थापक हैं। अहिंसा यानी सत्य को देखने का अभ्यास, यह अहिंसा है। सत्य को पहचान, सत्य को कबूल करने, देखने की भी नहीं, दिखता तो हर पल में है, सत्य को कबूल कर उसको अमल करने का उस पल में अभ्यास जो है वो अहिंसा है। कि मैंने बहुत साल, जहां तक मैंने आजमा के देखा था कि और लोगों ने तय किए किरदारों में मैंने बहुत समय ऑलरेडी बिता दिया था, और लोगों ने तय किया कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं बन गया, और लोगों ने तय किया कि पैसा कमाऊं, कमा लिया, और लोगों ने तय किया विदेश जाऊं, चला गया। तो ये सारे जो दुनिया ने मेरे लिए तय किए हुए ढांचे थे उनको मैंने आजमा लिया था और मेरा मोह भंग उससे हो चुका था। तो ये अहिंसक राजनीति की प्रवृत्ति वापस देश में लानी पड़ेगी, समझ वापस देश में लानी पड़ेगी, और उसके लिए सिर्फ वो ख्याली बात नहीं है, उसके लिए संस्थाएं, उसके लिए कहानियां, नैरेटिव्स, और उसके लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस पॉलिटिक्स में हमें वापस लानी पड़ेगी। एक बहुत बड़े समाज का काम है, ये समाज का एक साझा काम है। तो इसके तरफ कैसे बढ़ा जाए, ये एक साझा मंथन करने के, अगेन इसमें कोई जादू की छड़ी निकलेगी, पांच चीज करेंगे सब कुछ बदलेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कम से कम इस सोच के बारे में, नंबर वन, ये सोच लोगों को सही लगता है या मैं अपना ही कुछ सोच रहा हूँ, ये समझने के लिए, नंबर टू, फिर ये सोच को साझा रूप से मंथन करके ये तय करना कि इसको आगे कैसे बढ़ाए ना, ये दोनों चीजों के लिए अहिंसा के रास्ते की हम शिविर हमने शुरू किया। सत्य को अकाल इसीलिए शायद कहा जाता है, सत्य अकाल, और ख्याल से इसीलिए कहा जाता है कि ये लोगों के दिल में समझ है। एंड सी, आई टेल यू, मैं आपको ऐसे बताता हूँ रजनी जी, कि जो लोग आते हैं, एंड मैं अपने ही जर्नी से इसको रिलेट करता हूँ, मुझे सत्य और अहिंसा की कोई पहचान अभी भी, मैं कहता हूँ, बहुत कम है, लेकिन तभी वो कोई चीज है, तभी मुझे पता भी नहीं था, लेकिन मुझे अपने भीतर के दर्द का एहसास था। बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरा सफर चालू हुआ, जो अपने अस्तित्व का जो मुझे भय था, मेरे रेलेवेंस का प्रॉब्लम था, या असत्य को देखकर जो मुझे पेन, दुख, दर्द होता था मेरे काम में, ये सारे चीज उस चीज का लक्षण है कि सत्य को छोड़कर, समाज को तो नहीं पता मुझे, लेकिन इंसान का ज्यादा देर टिकना नामुमकिन है। लेकिन इन सब के दिमाग में वो जो टप 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 हो रहा है, वो उनको बेचैन कर रहा है, और वो इससे बाहर रास्ता ढूंढ रहे हैं, और रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं अहिंसक विचार पे ये लोग आएंगे ही। किस हद तक और कब, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन माई ग्रेटेस्ट रेवल्यूशन वॉज, मेरी कोई जरूरत नहीं है सत्य और अहिंसा को, राइट? सत्य और अहिंसा कायम रहेंगे, वो अपने आप को कायम रखेंगे, मेरी उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए कोई चिंता करने की, सत्य अहिंसा के लिए कोई चिंता करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। ये लोगों के भीतर का जो, हम आई थिंक इंसान का जो प्रवृत्ति है कि वो ज्यादा देर उसे ना कबूल किए बगैर, एक एटलीस्ट एक तबका, आई डोंट नो अगेन अबाउट एवरीवन, एक तबका तो इस इंसानियत का उसको नकार कर ज्यादा देर चल नहीं सकता। तो आपने कहा अहिंसा के रास्ते का कैंप का अहमियत, सबसे बड़ा अहमियत वैलिडेशन यानी कि वैलिडेशन का हिंदी शब्द मैं नहीं ढूंढ पा रहा, ये जो वैलिडेशन है कि आप अकेले नहीं हो, सत्य को जो आपने पहचानना चालू किया है वो आपका पागलपन नहीं है, राइट? ये सबसे बड़ा विश्वास जो है, ये विश्वास कि मेरे आंखों से देखा हुआ सत्य को मैं नहीं इनकार करूंगा, इसके टिके रहना, इसके ऊपर विश्वास रखना, ये आसान नहीं होता, लेकिन ये स्वराज का एकमात्र मार्ग, यही गांधी का स्वराज, कि हमारे सत्य को जीने का, हमें, हम निर्भय होकर हम जी पाए अपना सत्य, इससे बड़ा स्वराज नहीं है।